हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल। प्रीवियस लेक्चर में आपने कॉलम की डिज़ाइन के बारे में पढ़ा है। इस लेक्चर में उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है वो डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक न्यूमेरिकल देख लीजिए कि डिज़ाइन अ कॉलम ऑफ लेंथ 9 मीटर। द कॉलम इज हेल्ड इन पोजिशन एट बोथ एंड्स। यानी कॉलम जो है दोनों एंड्स पे पोजिशन पे हेल्ड है। इसका मतलब है हिंज तो हो ही गया। हिंज ऐसा होता है कि जो अपनी पोजीशन पे हेल्ड होता है, बट वन एंड इज रेस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन। वन एंड जो है वो रेस्ट्रेंड है अगेंस्ट रोटेशन के। इसका मतलब है कि एक एंड कैसा हो गया, फिक्स। क्लियर है? फिक्स में क्या होता है, अपनी पोजीशन पे भी हेल्ड है और रेस्ट्रेंड भी है रोटेशन के अगेंस्ट। यानी ये रोटेट भी नहीं होता, तभी यहाँ पे स्लोप क्या आता है, जीरो। अदर एंड इज नॉट रेस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन। यानी अदर एंड सिंपली क्या है, पिंड है, क्योंकि ये अपनी पोजीशन पे तो हेल्ड है, हेल्ड इन पोजीशन, बट नॉट रेस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन। यानी कि नॉट रेस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, रोटेशन के अगेंस्ट रेस्ट्रेंड नहीं है, इजिली रोटेट हो जाता है। और ये जो है आपका रेस्ट्रेंड यानी फिक्स है। तो वन एंड इज फिक्स्ड, अदर एंड इज हिंज्ड। तो आपको एल इफेक्टिव क्या है यहाँ पे निकालना होगा। एल इफेक्टिव जो होगी वो 0.8 टाइम्स ऑफ एल होगी, क्योंकि रिकमेंड जो करते हैं वो 0.8 टाइम्स करते हैं। तो आपको पता है टोटल लेंथ कितनी दी है, 9 मीटर। तो 0.8 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 7.2 मीटर। क्लियर है? तो ये हो गया। अब क्या कह रहे हैं, लोड ऑन कॉलम। ये जी कॉलम पे जो लोड है वो 2000 किलो न्यूटन है। M20 कॉन्क्रीट Fe415 स्टील यूज़ कर रहे हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड से सॉल्व करना है। तो आपको ये देखना है, अब पहला स्टेप तो आपने एल इफेक्टिव निकाल लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये कॉलम शॉर्ट कॉलम है या लॉन्ग कॉलम है, क्योंकि आपको एल इफेक्टिव तो पता है, लेकिन विड्थ जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन है वो आपको नहीं पता। जब तक वो नहीं पता होगी आप ये नहीं बता सकते आपका कॉलम शॉर्ट है या लॉन्ग है। और डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन का मतलब है कि जो एरिया ऑफ स्टील है वो आपको कैलकुलेट करना है कि कितना एरिया ऑफ स्टील आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फाइनली आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, कि एज्यूम कर लेंगे कि कॉलम कैसा है, आपका शॉर्ट कॉलम है। एज्यूम आर शॉर्ट कॉलम, ठीक है? एज्यूम कर लिया और आपने ये मान लिया कि एज्यूम जो आप एरिया ऑफ स्टील है यानी परसेंटेज ऑफ स्टील वो आप कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं, 2% ऑफ स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं। मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 0.8, और मैक्सिमम 4 या 8। तो आपने 2% सपोज मान ली, तो आपको पता है कि एरिया ऑफ स्टील अब कितना हो जाएगा, यानी 0.2% आप 2% प्रोवाइड कर रहे हैं टोटल एरिया का। तो 2% क्या हो जाएगा, 0.02 ऑफ टोटल एरिया। तो ये तो हो गया आपका 0.02। अब सपोज आपने मान लिया कॉलम कैसा है, स्क्वायर कॉलम है, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, बी स्क्वायर, ठीक है? सपोज कॉलम इज स्क्वायर, तो टोटल जो कॉन्क्रीट का एरिया होगा वो कितना होगा, यानी टोटल एरिया में से अगर आप स्टील का एरिया माइनस कर दें तो आपको एरिया ऑफ कॉन्क्रीट मिल जाएगा। तो टोटल एरिया में से स्टील का एरिया कितना है, 0.02 है, मीन्स 0.98 एरिया, यानी कि 0.98 ऑफ बी स्क्वायर। ये आपका आ गया एरिया ऑफ कॉन्क्रीट। क्लियर है? एरिया ऑफ कॉन्क्रीट 0.98 बी स्क्वायर और एरिया ऑफ स्टील 0.02 बी स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालेंगे कॉलम की। तो अगर आपने कॉलम शॉर्ट मान के चले हैं और वो प्रूफ हो गया, इसका मतलब है कि आप सही एज्यूम कर रहे हैं। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है शॉर्ट कॉलम के लिए, AC इंटू सिग्मा CC प्लस सिग्मा SC इंटू ASC। क्लियर है? तो AC की वैल्यू क्या होगी, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट आप निकाल चुके हैं पीछे, 0.98 ऑफ बी स्क्वायर इंटू सिग्मा CC। तो आपको पता है कि जो कॉन्क्रीट है उसका ग्रेड कितना है, M25। तो M25 के लिए ओवरऑल आपकी इसकी वैल्यू क्या हो जाती है सिग्मा CC की, 6। यानी कि M25 के लिए अप्रॉक्स बाई 4 कर देते हैं, तो 4 6 24 प्लस सिग्मा SC की वैल्यू क्या होगी, आपकी जो कॉन्क्रीट है 415 है, इसका मतलब है 190 इंटू एरिया ऑफ स्टील कितना हो जाएगा, 0.02 ऑफ बी स्क्वायर। और लोड ऑफ कॉलम आपको पता है 2000 किलो न्यूटन क्वेश्चन में गिवन है, इंटू 10^3 करके आपने न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके आप बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, 454.55 mm। क्लियर है? अब आपको बी मिल गया, एल इफेक्टिव पता है, तो स्लेंडरनेस रेशियो निकाल सकते हैं। क्या होगा फॉर्मूला, एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन। एल इफेक्टिव आपको पता है 7.2 मीटर, यानी 7200 mm में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय 454.55। तो ये वैल्यू आपकी अप्रॉक्स आ गई 15.82। ये वैल्यू किससे ज़्यादा है, 12 से ज़्यादा है,
इसका मतलब है कि ये कॉलम आपका शॉर्ट कॉलम ना होके ये कैसा कॉलम है, इट इज लॉन्ग कॉलम। तो अब आपको फिर से लॉन्ग कॉलम की डिज़ाइन करनी पड़ेगी। जो आपका एजम्पशन था, यानी जो आपने एज्यूम करके चले थे कि आपका कॉलम शॉर्ट है, वो आपका एजम्पशन क्या है, करेक्ट नहीं है। क्लियर है? तो फाइनली अब ये कैसा कॉलम है, लॉन्ग कॉलम है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप कंसीडर करेंगे कंसीडरिंग एज लॉन्ग कॉलम। अब लॉन्ग कॉलम को कंसीडर करके आप टोटल डिज़ाइन करेंगे। तो आपको पता है कि टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, सी आर इंटू ए सी इंटू सिग्मा सी सी प्लस सिग्मा एस सी इंटू ए एस सी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पी इक्वल टू क्या है, 2000 किलो न्यूटन, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया। सी आर का फॉर्मूला क्या होता है, 1.25 माइनस एल इफेक्टिव, इफेक्टिव लेंथ क्या है 7200 डिवाइडेड बाई 48 ऑफ बी, बी आपको पता नहीं है, क्लियर है, इंटू ए सी, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट क्या है आपको पता है 0.98 ऑफ बी स्क्वायर आपने माना था, इंटू सिग्मा सी सी 6 प्लस 0.02 इंटू बी स्क्वायर, ये आपका ए एस सी हो गया, इंटू सिग्मा एस सी कितना है 190, क्लियर है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी 470.9। तो अप्रोक्स आपने मान लिया जो कॉलम है स्क्वायर कॉलम उसका साइज हो गया 475 बाई 475 mm। तो ये आपका फाइनल साइज आ गया। अब यहाँ से आप एरिया ऑफ स्टील निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ स्टील क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्टील इक्वल टू 2% ऑफ टोटल एरिया, यानी बी स्क्वायर का 2%। तो आपको पता है 0.02 इंटू 475 इंटू 475, तो टोटल एरिया ऑफ स्टील आपका आ गया 4512.5 mm², क्लियर है। अब आपने सपोज प्रोवाइड कर दिया, प्रोवाइड 825 mm डायमीटर बार्स आपने प्रोवाइड कर दी, 8 बार्स तो 25 mm डायमीटर की प्रोवाइड करी, तो एरिया ऑफ स्टील आ गया 3926.96, और 4 बार्स आपने प्रोवाइड कर दी 16 mm डायमीटर की, ठीक है। तो आपको ओवरऑल एरिया हो गया 804.25, तो टोटल एरिया जो आपने आपको मिल गया 4731.21 mm², मतलब आपको जो एरिया दिया है आपको इस टाइप से बार प्रोवाइड करनी होती है कि जो टोटल एरिया गिवन है जो आया है उससे ज़्यादा आप बार्स प्रोवाइड करें, यानी उससे ज़्यादा एरिया की बार्स आपको प्रोवाइड करनी है, क्लियर है। तो टोटल एरिया आपका क्या आ गया, 4731.21 mm². अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, टाइज की डिज़ाइन करेंगे, यानी डिज़ाइन ऑफ टाइज, जो भी आप लेटरल टाइज प्रोवाइड कर रहे हैं स्क्वायर कॉलम में उनकी डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है डायमीटर ऑफ टाइज क्या होगा, डायमीटर ऑफ टाइज जो है वो आपको पता है या तो फाई मेन, यानी जो मैक्सिमम डायमीटर है बार का उसका बाई 4 या 16 mm, इनमें से जो वैल्यू ज़्यादा होगी वो आप यूज़ करेंगे। फाई मेन यानी आपने मैक्सिमम 8 mm डायमीटर की बार प्रोवाइड करी है बाई 25 mm डायमीटर की बार प्रोवाइड करी है बाई 4, तो कितना आ गया अप्रॉक्स 6.25, ठीक है। और आपने ये देखा ये कितना है 6 mm, यानी 6 mm या 5 मेन बाई 4, इनमें से जो वैल्यू ज़्यादा होगी यूज़ कर लेंगे। तो आप क्या करेंगे, यूज़ 8 mm डायमीटर बार्स, इनमें से कुछ ज़्यादा कर लिया आपने 6.25 को, सपोज आपने कह दिया 8 mm डायमीटर बार्स आप यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं स्पेसिंग की, कि कितनी स्पेसिंग जो है आप टाइज की प्रोवाइड करेंगे। तो पहली कंडीशन क्या है, या तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन के बराबर, मींस कितना हो गया 475 mm के बराबर। सेकंड कंडीशन क्या हो गई, 16 टाइम्स ऑफ 5 मिनिमम, तो 16 टाइम्स ऑफ मिनिमम डायमीटर कितना प्रोवाइड किया था 16 mm, तो आपको पता है 256 mm। थर्ड कंडीशन क्या हो गई, 300 mm, यानी कि इनमें से जो वैल्यू मिनिमम होगी उतनी स्पेसिंग आप प्रोवाइड करेंगे। तो 256 है तो कम से कम 256 आपको स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है। तो आपने क्या किया, प्रोवाइड 8 mm डायमीटर बार्स एट स्पेसिंग 250 mm क्रॉस सेंटर टू सेंटर, क्लियर है। तो ये हो गई ओवरऑल आपकी कॉलम की डिज़ाइन, जिसमें आपने 250 mm सेंटर टू सेंटर 8 mm टाइज की डिज़ाइन कर दी ओवरऑल कॉलम की। अगर आप इसको डायग्राम में दिखाते हैं तो आप इस टाइप से शो कर सकते हैं कि आपका कॉलम क्या है, ओवरऑल ये आपका स्क्वायर कॉलम हो गया जिसका साइज कितना है 475 mm बाई 475 mm, और टोटल आपने बार्स कितनी यूज़ करी है, 8 जो है वो 25 mm डायमीटर की बार्स यूज़ करी हैं और 4 जो है वो 16 mm डायमीटर की। तो आप सपोज इस टाइप से दिखा सकते हैं
कि 1, 2, 3, 4 आपने ये बार्स यूज़ करी, 5, 6, 7, 8 ये जो टोटल बार्स हो गई ये आपकी क्या हो गई 825 mm डायमीटर की, और चार बार्स जो है वो आपने 16 mm की यूज़ कर दी। ठीक है, तो अगर आप इसको जो है कंबाइंड करेंगे टाइस के थ्रू ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट वो इस टाइप से आप कर देंगे, तो ये हो गया एक आपका ट्रांसवर्स, इनको आपस में जो है आपने ज्वाइन कर दिया, एक ये ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट आपने प्रोवाइड कर दिया, और इन चार को आपस में ये ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट आपने प्रोवाइड कर दिया। क्लियर है, तो ये जो बार्स हैं आपकी ये क्या हो गई, ये तो हो गई 4 25 mm डायमीटर की, और ये सारी बार्स आपकी कैसी हो गई 8 25 mm डायमीटर की, और ये हो गई आपकी 4 16 mm डायमीटर की बार्स। क्लियर है, और ये जो ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट हो गया ये कितना हो गया आपका 8 mm डायमीटर बार्स एट 250 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, इनके बीच की जो स्पेसिंग है जब आप फ्रंट व्यू देखेंगे तो कुछ इस टाइप से ये बार्स हो गई, इस टाइप से स्पेसिंग आएगी, तो ये जो स्पेसिंग है ये आपकी कितनी है 250 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये आपकी ओवरऑल कॉलम की डिज़ाइन हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि डिज़ाइन अ सर्कुलर कॉलम विथ हेलिकल रीइंफोर्समेंट फॉर अ लोड ऑफ 2500 kN। अब आपको एक सर्कुलर कॉलम की डिज़ाइन करनी है जिसमें आपको हेलिकल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, सेपरेट टाइज प्रोवाइड नहीं करनी, हेलिकल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, डायमीटर ऑफ कॉलम इन 600 mm, जो डायमीटर कॉलम का है वो 600 mm है, M20Fe415 कॉन्क्रीट है, इफेक्टिव लेंथ जो है वो 8 मीटर ऑलरेडी दी हुई है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से सॉल्व करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि स्लेंडरनेस रेशियो कितना आ रहा है, यानी एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो एल इफेक्टिव, इफेक्टिव लेंथ क्या है 8 मीटर यानी 8000 mm, डिवाइडेड बाई डायमीटर क्या है कॉलम का 600 mm, तो ओवरऑल ये वैल्यू आपकी आ गई 13.33 यानी ग्रेटर देन 12। तो अब आपका कॉलम कैसा हो गया, लॉन्ग कॉलम। अब जब भी आप डिज़ाइन करेंगे इसको तो लॉन्ग कॉलम कंसीडर करके करेंगे। तो सेकंड स्टेप आप क्या करेंगे, आप लोड कैरिंग कैपेसिटी फाइंड करेंगे कि लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कितनी आ रही है। लोड कैरिंग कैपेसिटी से डिज़ाइन करना है आपको एरिया ऑफ स्टील फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू हेलिकल रीइंफोर्समेंट है तो 1.05 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू CR इंटू सिग्मा CC इंटू AC प्लस सिग्मा SC इंटू ASC। क्लियर है, तो 1. टोटल लोड कितना दिया है 2500 kN, तो 2500 इंटू 10^3, 1.05 CR का फॉर्मूला क्या होता है 1.25 माइनस L इफेक्टिव डिवाइडेड बाई 48 B। क्लियर है, इंटू सिग्मा CC, तो आपको पता है M20 कॉन्क्रीट है, इसके लिए सिग्मा CC की वैल्यू कितनी होती है 5 इंटू एरिया ऑफ कॉन्क्रीट, तो आपको पता है कि टोटल एरिया जो है कितना है 600 mm डायमीटर है। इसका मतलब है कि अगर आप टोटल एरिया में से एरिया ऑफ स्टील माइनस कर दें तो एरिया ऑफ कॉन्क्रीट आ जाएगा, प्लस सिग्मा SC की वैल्यू Fe415 के लिए 190 होती है इंटू ASC। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे B क्या है, यहाँ पे B जो है अगर हेलिकल रीइंफोर्समेंट के लिए आपने पहले पढ़ा है कि ये डायमीटर ऑफ कोर है। क्लियर है, तो कोर डायमीटर क्या होता है कि जो टोटल डायमीटर है उसमें से 2 times ऑफ क्लियर कवर माइनस कर दें, तो ये ओवरऑल होता है आपका टोटल डायमीटर कितना है 600, ग्रॉस डायमीटर जो है माइनस 80, तो ये आप यूज़ करेंगे ना कि 600 mm डायरेक्टली यूज़ करेंगे। क्लियर है, बी क्या है यहाँ पे डायमीटर ऑफ कोर, तो ये हो गया आपका 540 mm। तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे वैल्यू, सॉरी 520 mm, ठीक है, तो ओवरऑल टोटल लोड कितना हो गया 2500 इंटू 10^3 इक्वल टू 1.05 इंटू 1.25 माइनस इफेक्टिव लेंथ कितनी है 8 मीटर है 8000 डिवाइडेड बाई 48 इंटू बी डायमीटर ऑफ कोर कितना है 520 इंटू 5 इंटू टोटल एरिया कितना है पाई बाई 4 इंटू 600 स्क्वायर माइनस ASC प्लस 190 इंटू ASC। तो अननोन टर्म क्या बचा, सिंपली ASC बचा, तो यहाँ से आप डायरेक्टली एरिया ऑफ स्टील फाइंड कर सकते हैं इन कंप्रेशन में, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 6204.64 mm स्क्वायर। क्लियर है, तो ये आपका टोटल आ गया एरिया ऑफ स्टील। अब आपको देखना है कि कितनी बार्स प्रोवाइड करें, सपोज आपने जो है 25 mm डायमीटर बार्स आपने प्रोवाइड कर दी तो कितनी नंबर ऑफ बार्स आ जाएंगी, n इक्वल टू 6204.64 डिवाइडेड बाई पाई बाई 4 इंटू 25 स्क्वायर,
तो आपने देखा कि अराउंड 12.6, मतलब आप क्या करें 13 बार्स जो है आपने सपोज 25 mm डायमीटर की प्रोवाइड कर दी, क्लियर है। अब क्या करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप में हेलिकल रीइंफोर्समेंट की डिजाइन करेंगे, डिजाइन ऑफ हेलिकल रीइंफोर्समेंट। तो उसके लिए वो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो कंडीशन के लिए सबसे पहले आप टर्म निकाल लीजिए ग्रॉस डायमीटर यानी डीजी, ठीक है। तो डीजी की वैल्यू कितनी है 600 mm, तो यहाँ से एजी यानी ग्रॉस एरिया फाइंड कर लीजिए, तो पाई बाई 4 इंटू डीजी स्क्वायर मीन्स 600 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 2827434 mm स्क्वायर, क्लियर है। नेक्स्ट टर्म में आपको पता है डायमीटर ऑफ कोर क्या होगा, तो टोटल ग्रॉस डायमीटर में से अगर 2 times ऑफ क्लियर कवर माइनस कर दें तो आपको क्या आ जाएगा कोर डायमीटर। क्योंकि एक बार फिर से देख लीजिए ये कॉलम है, ठीक है, इस कॉलम में ये आपका हेलिकल रीइंफोर्समेंट हो गया और ये आपकी मेन रीइंफोर्समेंट हो गया, ठीक है। तो आपने देखा कि यहां से यहां तक टोटल ये जो है ये आपका तो ग्रॉस डायमीटर हो गया, ये आपका हो गया ग्रॉस डायमीटर, और यहाँ से जो सेंटर ये जो है रीइंफोर्समेंट जो हेलिकल रीइंफोर्समेंट है इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होती है, ये होता है आपका कोर डायमीटर, जिसकी वैल्यू क्या होती है ग्रॉस डायमीटर्स में ये जो क्लियर कवर है ये माइनस कर देते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का आपका ये कहलाता है डीएच, जिसको क्या कहते हैं टोटल कोर डायमीटर में से अगर आप डायमीटर ऑफ हेलिक्स माइनस कर दें ये जो डायमीटर है तो ये आपका ये डायमीटर ऑफ हेलिकल रीइंफोर्समेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई 600 माइनस 2 × 40, तो ये आपकी आ गई 520 mm। तो यहाँ से आप AC निकाल सकते हैं, AC इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू DC स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू आपकी आ जाएगी 212371.66 mm स्क्वायर, क्लियर है। अब आपको कोर वॉल्यूम फाइंड करना है, तो कोर वॉल्यूम क्या होता है 1000 × AC, यानी कि यहाँ पे आप जब सॉल्व करेंगे 212371.66 mm स्क्वायर, क्लियर है। तो ये आपका आ गया 212371.66 mm स्क्वायर, ये आपका आ गया टोटल वॉल्यूम ऑफ कोर। अब आप नेक्स्ट टर्म में जो फाइंड करेंगे ये हो गया 660 mm स्क्वायर, क्लियर है। अब क्या निकालना है आपको, सबसे पहले VH फाइंड करना है। तो VH फाइंड करने के लिए आपको पता है कि DH कितना होता है यानी डायमीटर ऑफ हेलिक्स, तो कोर डायमीटर में से अगर आप डायमीटर ऑफ हेलिक्स माइनस कर दें तो डायमीटर ऑफ हेलिकल रीइंफोर्समेंट आ जाएगा। तो ये क्या है 520, हमेशा 5S डायमीटर ऑफ हेलिक्स को आप 8 mm एज्यूम कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 512 mm, क्लियर है। तो VH फाइंड करना है, तो VH का फॉर्मूला क्या है 1000 / pitch इंटू पाई ऑफ DH इंटू पाई बाई 4 इंटू 5H स्क्वायर, क्लियर है। तो जब आप इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको पता है कि पाई DH की वैल्यू कितनी है 512 mm और 5H कितना है 8 mm, तो ओवरऑल सॉल्व करने पे वैल्यू आ जाएगी 8085179.25/pitch, क्लियर है। तो यहाँ से आपको सिंपली पिच की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप कंडीशन लगा दीजिए, इक्वेशन क्या है हेलिकल रिइंफोर्समेंट की 0.36 FCK/AG/AC-1 > VH/VC। तो यहाँ पे 0.36 FCK की वैल्यू कितनी हो जाएगी M20 यानी 20 Fe 415 के लिए 415 इंटू AG की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 2827.43.34 डिवाइडेड बाई AC की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं पीछे 212371.66 - 1 > का साइन लगा दीजिए, इसकी वैल्यू 8085179.25 और वॉल्यूम ऑफ कोर निकाल चुके हैं आप क्या है डिवाइडेड बाई P इंटू 212371660, क्लियर है। तो यहाँ से जो पिच की वैल्यू आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी 66.22 mm। तो आपको ये देखना है कि जो पिच की वैल्यू ये आ रही है यानी स्पेसिंग ऑफ हेलिकल रीइंफोर्समेंट, स्पेसिंग ऑफ हेलिकल रीइंफोर्समेंट क्या है पिच है, तो इसकी जो कंडीशन है
ये आपको ध्यान होनी चाहिए। हेलिकल रिइंफोर्समेंट के लिए जो स्पेसिंग का होता है, पहली कंडीशन होती है जो पिच की वैल्यू है वो 75 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन, पिच की वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन डायमीटर, जो कोर का डायमीटर है 26 mm, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन, पिच की वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन 25 mm, 25 mm से कम नहीं होनी चाहिए, और इसकी वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन 3 times ऑफ डायमीटर ऑफ हेलिक्स, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो आपकी फाइनली पिच की वैल्यू क्या आ गई, 66। तो यहाँ पे देखें 75 mm से ज़्यादा नहीं, इसका मतलब सही है। शुड नॉट बी ग्रेटर देन डायमीटर ऑफ कोर डिवाइडेड बाई 6, उससे भी ज़्यादा नहीं है। 25 mm से कम नहीं होनी चाहिए। 3 times ऑफ 5H की वैल्यू क्या है, 8, यानी 24 mm से भी कम नहीं होनी चाहिए। तो फाइनली आप क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे 8 mm डायमीटर हेलिक्स एट पिच ऑफ 65 mm, ठीक है। यानी 65 mm जो है आपने क्या किया, पिच प्रोवाइड कर दी 8 mm डायमीटर हेलिक्स प्रोवाइड करके, ओवरऑल आपने कॉलम की डिज़ाइन कर दी। तो जनरली वर्किंग स्ट्रेस मेथड में अगर आप देखते हैं तो दो टाइप्स के कॉलम की डिज़ाइन आती है। पहला, या तो शॉर्ट या लॉन्ग कॉलम होगा, उसमें भी अगर आपकी जो टाइज हैं, ठीक है, एक तो रेक्टेंगुलर सिंपल कॉलम होगा जिसमें आप सेपरेट टाइज का यूज़ करेंगे। दूसरा होगा सर्कुलर कॉलम। सर्कुलर कॉलम में दो कंडीशंस होती हैं, या तो आप सेपरेट यानी ट्रांसवर्स रीइन्फोर्समेंट की जगह आप सेपरेट टाइज का यूज़ कर रहे हैं, और या तो हेलिकल रीइन्फोर्समेंट का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप हेलिकल रीइन्फोर्समेंट का यूज़ कर रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन की तरह डिज़ाइन करेंगे सिंपली। वही अगर आप सेपरेट टाइज का यूज़ कर रहे हैं तो जो पहला क्वेश्चन आपने किया है जस्ट आप वैसे डिज़ाइन कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।